गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हमारा इंग्लिश में लेसन 14 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेसन 15 स्टार्ट करेंगे। आपको इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। ओके, लेसन 15 है हमारा द वन आईड जायंट। वर्ड मीनिंग आपको करने हैं फर्स्ट रेस्क्यू, सेव बचाव, फियर्स वेरी स्ट्रॉन्ग मजबूत, थर्ड इज पुट ऑन ए स्माइल, पोज्ड टू बी हैप्पी खुश होने के लिए तैयार, फोर्थ इज ह्यूज वेरी बिग विशाल, एंड फिफ्थ इज फनी जोवियल हसमुख, सिक्स इज स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है क्राइड चिल्लाना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज हु वाज यूलिसिस। यूलिसिस वाज ए फेमस ग्रीक वॉरियर हु टुक पार्ट इन द वार अगेंस्ट ट्रॉय। यूलिसिस एक फेमस ग्रीक वॉरियर था जो कि जिसने पार्ट लिया था वार अगेंस्ट ट्रॉय, ट्रॉय के अगेंस्ट होने वाले युद्ध में जिसने पार्ट लिया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका वेयर वाज ही रिटर्निंग फ्रॉम। वे कहाँ जा रहे थे, सॉरी वे कहाँ से वापस आ रहे थे। ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम इथाका, वे इथाका से वापस आ रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका वेयर वाज हिज होमलैंड, उनका होमलैंड कहाँ पर था। आंसर है इसका इथाका, ग्रीस वाज हिज होमलैंड। इथाका ग्रीस में ही है जो कि उनका होमलैंड था। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड यूलिसिस एंड हिज मैन रीच द लैंड ऑफ साइक्लोप्स। यूलिसिस और उसके आदमी जो थे वो साइक्लोप्स के धरती पर लैंड पर कैसे पहुंचे थे। आंसर में लिखेंगे व्हेन ए बिग स्टॉर्म ओवरटुक देयर शिप, जब बहुत तेज तूफान उनके शिप में आया, एंड दे ड्रोव इट और वो डूबने लगे, एंड दे लॉस्ट देयर वे और वो रास्ता अपना भटक गए, आफ्टर सेलिंग फॉर अ नंबर ऑफ डेज और काफ़ी दिनों तक वो तैरते हुए और वो अपनी नाव को चलाते हुए दे रीच्ड द लैंड ऑफ साइक्लोप्स, वो साइक्लोप्स की धरती पर पहुँचे। फिफ्थ क्वेश्चन है हु वर साइक्लोप्स एंड हु वाज देयर लीडर। साइक्लोप्स कौन थे और उनका लीडर कौन था। साइक्लोप्स वर द वन आइड जायंट्स क्रिएचर्स, जो वन आइड जायंट्स थे उनका जो क्रिएचर्स था वो उनको साइक्लोप्स कहते थे, एंड उनका जो लीडर था वो था पॉलीफेमस। पॉलीफेमस वाज देयर लीडर। सिक्स्थ क्वेश्चन है वेयर डिड पॉलीफेमस इम्प्रिजन द ग्रीक्स। पॉलीफेमस ने ग्रीक्स को कहाँ पर कैद करके रखा था। पॉलीफेमस इम्प्रिजन द ग्रीक्स इन हिज केव, उसने अपनी गुफा में उन्हें कैदी बनाकर रखा था। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, और मैंने लेसन रीड करके वीडियो डाली है वो भी आपको देखनी है। ओके, थैंक यू।